बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उराना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जैसे कि डिजिट लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जैसे कि ये एक जो है ये एक ऐसे क्यों लिखा जाता है, जैसे कि दो है ये दो ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, और ये चार जो है इसको हम पांच क्यों नहीं कहते, इसको चार ही क्यों कहते हैं, ये जो सिक्स है इसको हम एट क्यों नहीं कहते, और जो एट है इसको हम नाइन क्यों नहीं कहते। तो जैसे कि जो गिनती ईजाद हुई थी, सबसे पहले गिनती कैसे ईजाद हुई थी पता है आपको? गिनती जब ईजाद हुई तो जिसने गिनती ईजाद की थी तो उसने जो है पहले बहुत कुछ सोचा, उसके बाद गिनती को ईजाद किया। जैसे कि सबसे पहले जो एक होता था उसकी जो शेप थी ये ऐसी नहीं थी। गिनती ईजाद करने वाले ने सबसे पहले एंगल को ईजाद किया था। ये है एंगल, ये देखो ये एंगल है। एंगल मतलब आप इसको एल्बो भी कह सकते हैं, कोनी भी कह सकते हैं, जैसे कि कोनी नुमा एंगल होता है। ये देखें सबसे पहले उसने एंगल को ईजाद किया था। एंगल ईजाद करने के बाद उसने पूरी गिनती को ईजाद कर दिया। तो सबसे पहले उसने बहुत कुछ सोचा कि गिनती को कैसे लिखा जाए, एक कैसे लिखना है, दो को कैसे लिखना है, तीन की क्या शेप देनी है, पांच को क्या शेप देनी है। अब आपको मैं समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो एक लिखा था ना उसने, सबसे पहले एक ऐसे लिखा था, ये देखिए एक एंगल बन गया। उसके बाद फिर एक हमने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने जो एक लिखा था वो ऐसे लिखा था। एक्चुअल एक की शक्ल जो है वो ऐसी है, यानी कि एक एंगल। अब जो उसके बाद उसने दो ईजाद किया, दो के अंदर दो एंगल होते हैं, ये देखें एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। ये दो के अंदर दो एंगल है तो इसका मतलब दो हो गया। तीन के अंदर तीन एंगल होते हैं, ये देखें एक दो और ये तीन, तीन एंगल हो गए। तीन एंगल का मतलब है तीन एंगल डाले उसने तो तीन बन गया। जब गिनती जिसने ईजाद की थी उसने जब चार लिखा तो चार के अंदर चार एंगल डाले, ये देखें। ये देखें एक दो तीन और ये चार। पहले चार की शेप ये होती थी, फिर ऐसा ऐसा हमने चार की शेप को चेंज कर दिया, फिर हमने और चेंज कर दिया, फिर स्लो बाय स्लो स्टेप बाय स्टेप हम चेंज करते गए। तो सबसे पहले चार की ये शेप थी। पांच के अंदर पांच एंगल होते हैं, ये देखें। उसने एंगल वाले कुरियो को नहीं छोड़ा, ये देखें। ये देखें एक दो तीन चार और ये पांच, पांच के अंदर पांच एंगल होते हैं और छह के अंदर छह एंगल होते हैं, ये देखें। एक दो तीन चार पांच और छह, सात के अंदर सात एंगल होते हैं। अब छह के बाद जैसे कि हम रवानगी में छह लिखते हैं, छह लिखना शुरू कर दिया, सिक्स लिखना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, कुछ ने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है जी। हम अपने स्टाइल से छह लिखते गए, हमने एंगल को छोड़ दिया। अब हमें पता है, अब हमें एंगल की जरूरत नहीं रही, अब हमें पता है कि छह ऐसे लिखा जाता है। सात के अंदर सात एंगल होते हैं, कुछ लोग सात को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसके अंदर तो सिर्फ एक एंगल है, सात के अंदर सात एंगल होते हैं। जो एक्चुअली सात की शक्ल थी ना, सबसे पहले जब सात लिखा गया था उसकी ये शेप थी, ये देखें एक दो तीन चार पांच छह और सात, सात के अंदर सात एंगल है। तो फिर स्टेप बाय स्टेप हमने सात की शक्ल को चेंज कर दिया, इस तरह से हम लिखना शुरू हो गए। कुछ लोग अभी भी सात को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आज भी उनको आदत है सात के अंदर एंगल डालने की आदत है। आठ के अंदर आठ एंगल होते हैं, ये देखें
ये देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और नौ के अंदर नौ एंगल होते हैं, नौ के अंदर ये देखिए नौ के अंदर नौ एंगल होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ के अंदर नौ एंगल होते हैं। अब नौ तक उसने लिख लिया, नौ तक लिखने के बाद जब जीरो लिखने का नंबर आया तो उसने बहुत सोचा कि क्या करूं, तो फिर उसने जीरो को गोल करने की एक वजह यह भी थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसका नाम क्या रखा जाए और इसको गोल ही क्यों किया जाए। तो फिर उसने अंडे को देखा, अंडे की शक्ल गोल होती है, तो फिर उसने जो जीरो का जो डिजिट था उसको भी गोल कर दिया। अब उसका नाम अंडा तो नहीं रखा, लेकिन उसका नाम गोल रखा, जीरो रखा। आज भी आप देखें कि जीरो की शक्ल आपको अंडे जैसी नजर आती है, गोल नजर आती है। तो इस तरह से गिनती कंप्लीट हुई, एक एंगल से गिनती कंप्लीट हुई। अगर ये एंगल ना होता तो गिनती इजाद ना होती। सबसे पहले एंगल इजाद हुआ, उसके बाद गिनती इजाद हुई, और आज भी देखें कि हमें गिनती के अंदर एंगल नजर आते हैं। अगर एंगल को गिनती से निकाल दें तो गिनती कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये थी आज की वीडियो नाज़रीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि